बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे आई टीच यू अबाउट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई टीच यू अबाउट डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स मीन टू रोज एंड टू कॉलम्स। लेट्स से मैट्रिक्स ए इज which entries A, B, C, D. Okay? Now, determinant of A is denoted by determinant of A, this form, or determinant of A is denoted by this. Okay? Now, determinant of A is equal to, now you replace this matrix sign with determinant sign. Now determinant of A is equal to, first of all you multiply with this diagonal entries AD, then you write negative sign always. Okay, first you multiply diagonal entries, then negative sign, then you multiply these two entries. This is the method of determinant of 2x2 matrix. If two rows and two columns are given, then you find determinant of A by this method. Okay? Determinant of A को हम determinant of A भी लिख सकते हैं और हम लोग इस सैम्पल से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम जो मैट्रिक्स ये जो ब्रैकेट फॉर्म होती है उसको हम डिटर्मिनेंट के साइन में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले आपने डायगनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना होता है, माइनस का साइन लगाना होता है, फिर आपने दूसरी एंट्रीज को आप इसमें मल्टीप्लाई कर देना। ये तो अभी आपके पास कॉन्स्टेंट नंबर थे तो ऐसे ही आ जाएंगे। जब आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी 1, 2, 3 इस तरह के नंबर्स आ जाएंगे, फिर आपके पास एक स्पेसिफिक आंसर आ जाएगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसे फाइंड करते हैं। नाउ यू हैव सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स आर दोज मैट्रिक्स विच डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो। सिंगुलर मैट्रिक्स आर दोज मैट्रिक्स विच डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज दोज मैट्रिक्स विच डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, जो आप डिटर्मिनेंट जो भी मैट्रिक्स आपके पास गिवन हो अगर आप उसका डिटर्मिनेंट लें वो जीरो आ जाए तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। अगर उसके डिटर्मिनेंट का आंसर जीरो ना आए तो वो हमारे पास क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, लेट कंसीडर एग्जांपल, लेट मैट्रिक्स ए 1, 0, 2, 0। नाउ वी टेक इट्स डिटर्मिनेंट, वी टेक इट्स डिटर्मिनेंट 1, 0, 0 - 2, 0, 0 विच इज़ जीरो। सो डिटर्मिनेंट का आंसर जीरो के इक्वल आया तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होगा, सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें डिटर्मिनेंट का आंसर इक्वल टू जीरो आ जाए, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें डिटर्मिनेंट का आंसर जीरो ना आए। वो आप एग्जांपल कंसीडर कर लें 1, 0, 1, 2। अब आप इसका डिटर्मिनेंट लें 1, 0, 1, 2। 2 ones are 2 - 0, 2 आया, नॉट इक्वल टू जीरो, सो इट इज नॉन सिंगुलर। सो इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स वो होते हैं जिनमें डिटर्मिनेंट का आंसर जीरो आ जाए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होते हैं जिसमें डिटर्मिनेंट का आंसर जीरो ना आए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लिकेटिव ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तब एग्जिस्ट कर रहा होता है जब हमारे पास जो मैट्रिक्स होते हैं वो क्या हो, नॉन सिंगुलर हो। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तब एग्जिस्ट करता है जब हमारे पास मैट्रिक्स क्या हो, नॉन सिंगुलर हो, मीन उनका जो डिटर्मिनेंट हो वो जीरो ना आ रहा हो। नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, नाउ मैं अब आपको बताती हूँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम लोग क्या करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स,
मैट्रिक्स को हमारे पास क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होंगे तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। आप देखिए, अगर आप इन्वर्स फाइंड करें, ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स ए, और वो किसके इक्वल आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट के। इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स इज पॉसिबल इफ मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। इन्वर्स तब पॉसिबल होगा जब उसमें क्या होगा, जब वो मैट्रिक्स क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। अब देखिए, आपके पास यदि ये ए मैट्रिक्स तो गिवन होगा, सबसे पहले आपने ए इन्वर्स फाइंड करना होगा। ए इन्वर्स का फॉर्मूला होता है, अब यहाँ पे जो ए है ना, ये जो आपके पास मैट्रिक्स गिवन होगा उसका नाम है ए। अब आपके पास बी भी गिवन हो सकता है, सी भी गिवन हो सकता है, तो आप इधर ए की जगह क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। ए इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले आप लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। ए इन्वर्स का क्या फॉर्मूला है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए तो आप फाइंड कर लेंगे, जो मैट्रिक्स आपके पास गिवन होगा सिंपल आप उसका इस तरह डिटरमिनेंट फाइंड कर लेंगे। अब एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करते हैं, मैं आप यही वाला मैट्रिक्स ले लें, ए लेट कर लें, मैट्रिक्स ए हमारे पास ए सी बी डी है। अब इसका मैंने एडजॉइंट लेना है, एडजॉइंट जब हम लेते हैं तो जो ये डायगनल है ना हमारे पास, एडजॉइंट लेते वक्त जो डायगनल एंट्रीज होती हैं उनको हम इंटरचेंज कर देते हैं। एडजॉइंट लेते वक्त जो डायगनल एंट्रीज होती हैं उनको हम लोग क्या कर देते हैं, इंटरचेंज। अब ये डायगनल एंट्रीज है, इनको हमने इंटरचेंज करना है आपस में, डी ए की जगह चला जाएगा और ए बी की जगह आ जाएगी, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए में डायगनल एंट्रीज को हम इंटरचेंज करते हैं आपस में, और जो दूसरी एंट्रीज होती हैं उन दोनों के साइन चेंज कर देते हैं। इधर दोनों के साथ प्लस का साइन है तो कौन सा साइन हो जाएगा, नेगेटिव साइन हो जाएगा। इन दोनों की जगह इंटरचेंज नहीं करनी, जगह इंटरचेंज डायगनल एंट्रीज की करती है और दूसरी दोनों एंट्रीज के साइन चेंज करते हैं। अगर प्लस का साइन हो तो माइनस कर देते हैं, माइनस हो तो प्लस का कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे इसका डिटर्मिनेंट क्योंकि यही आया था ना मैट्रिक्स का, तो अब सिंपल लिखेंगे ए इनवर्स इज इक्वल टू, पर आपने क्या लिखना है, एडजॉइंट ऑफ ए का क्या आंसर आएंगे, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर क्या है, ए डी माइनस बी फाइंड, ठीक है। क्या करना होता है, ए इनवर्स कैसे फाइंड करती है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए में जो मैट्रिक्स आपके पास गिवन होता है उसमें जो डायगनल एंट्रीज होती हैं उनको इंटरचेंज करते हैं और दूसरी दोनों एंट्रीज के साइन चेंज कर देते हैं, तो हमारे पास एडजॉइंट आ जाता है। और डिटर्मिनेंट का मैथड मैंने बताया ऐसे फाइंड करना है, उसको डिवाइड कर दें, ए इनवर्स आ जाए। अब ए भी गिवन है आपके पास, ए इनवर्स भी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इन एंट्रीज को हम हर नंबर से फिर डिवाइड कर देते हैं, समझ आ गया। अब ये आपके पास तो जनरल फॉर्म थी, अब जब क्वेश्चन हम करेंगे तो आपके पास और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एक्सरसाइज 1.1 1.5। वेरिफिकेशन वाला तो मैंने उस दिन आपको बता दिया था ना कि अगर ट्रांसपोज हो या ए इनवर्स हो तो सेकंड मैट्रिक्स पहले आ जाता है देन फर्स्ट मैट्रिक्स आता है। देखें एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। क्या फाइंड करना है, सबसे पहले डिटर्मिनेंट। अब इनमें से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 डी का मैट्रिक्स उसका कर देती हूँ। आपने इसका क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट। सिंपल आप लोग लिखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज डी डी इज इक्वल टू 3 1 2 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले मैं आपको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख के दिखा देती हूँ। मेट में माइनस साइन हमेशा माइनस साइन आएगा, ठीक है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 - 1 = 2। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 10। बेशक आप साथ ये भी लिख दें नॉट इक्वल टू 0, सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, साथ बेशक आप ये भी लिख दें, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। आपने बताना है कि ये मैट्रिसेस इनमें से कौन से सिंगुलर हैं और
कौन से नॉन सिंगुलर है। सिंगुलर के लिए क्या होगा, पहले जब आप डिटर्मिनेंट लेंगे उसका आंसर इक्वल टू जीरो आ जाएगा, और जिनका आंसर नॉट इक्वल टू जीरो आएगा वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, नॉन सिंगुलर। इसमें से भी एक पार्ट मैं आपको कर देती हूँ। इसमें भी हम पार्ट फोर में कर देती हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर टू पार्ट फोर, फर्स्ट यू टेक डिटर्मिनेंट, देखिए इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करेंगे, फाइव और फोर को मिड में माइनस साइन, ठीक है। अब इन दोनों के साथ भी नेगेटिव साइन है वो साथ हम इस तरह लगाएंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ डी इज इक्वल टू फाइव फोर या ट्वेंटी। अब देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, ठीक है। टेन टू या ट्वेंटी, डिटर्मिनेंट ऑफ डी इज इक्वल टू जीरो, जीरो आ गया। सो ये हमारे पास क्या हो गया, सिंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह आपने बाकी थ्री पार्ट्स उनके भी चेक कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। आप उन्होंने मैं कहा कि आपने मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड करना है अगर एग्जिस्ट करें। एग्जिस्ट आपने कैसे चेक करना है, आपको चेक करना है कि वो नॉन सिंगुलर, सबसे पहले आपने चेक करना है उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है आ रहा कि नहीं। अगर नॉन सिंगुलर हुआ वो मैट्रिक्स तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स। अगर नॉन सिंगुलर, अगर सिंगुलर हुआ तो हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक पार्ट कर देती नंबर थ्री, इसका भी डी पार्ट दे रहे हो, फ्रैक्शन की फॉर्म में मैथड कोई भी, बस ये फ्रैक्शन की फॉर्म में दो, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या चेक करना है कि डिटर्मिनेंट लेके चेक करेंगे सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अगर नॉन सिंगुलर हुआ तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, अगर सिंगुलर हुआ तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। वो हम पाइस लिख देंगे, डी इज 1 by 2, 1, 3 by 4, 2. Determinant of D is 1 by 2 multiply होगा 2 के साथ minus 3 by 4 multiply होगा 1 के साथ। Determinant of D is, अब इधर multiply होगी इसे कटिंग हो जाएगी, 1 आ जाएगा minus ये 3 by 4 आ जाएगा, ठीक है। LCM लेने फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में हमेशा हम LCM लेते हैं, ठीक है। इसके नीचे कुछ ये 1 लगा लें, 4 minus 3, डिटर्मिनेंट ऑफ डी इज इक्वल टू 1/4, ये हमारे पास क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ये हमारे पास नॉन सिंगुलर है। अब ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, अगर नॉन सिंगुलर है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हम कैसे इसके बाद फाइंड करेंगे, इसके बाद आप सिंपल लिखेंगे डी डी इन्वर्स जैसे एग्जाम्पल में था ना, क्या होगा डी डी इनवर्स इक्वल किसके होगा, डी इनवर्स डी, और वो किसके इक्वल आते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आपके पास सबसे पहले आपने डी इनवर्स फाइंड करना है, सबसे पहले आपने क्या फाइंड करना है, डी इनवर्स। डी इनवर्स के लिए आप क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ डी डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ डी। डी इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ डी डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ डी। एडजॉइंट ऑफ डी कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले आप, अब ये है ना हमारे पास डी, अब इसका आपने एडजॉइंट लेना है। एडजॉइंट में मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो आपस में क्या हो जाती हैं, इंटरचेंज। डायगोनल एंट्रीज आपस में इंटरचेंज हो जाती है, टू इधर आ जाएगा, वन बाई टू इधर आ जाएगा, और बाकी जो दो एंट्रीज हैं उन दोनों के क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। दोनों के साथ प्लस का साइन है, क्या हो जाएगा, माइनस का साइन, माइनस वन एंड माइनस थ्री बाई फोर, ठीक है। अब लिख लें डी इनवर्स, ऊपर लिखिए एडजॉइंट ऑफ ए, नीचे आप लोग लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ डी। डिटर्मिनेंट ऑफ डी इज इक्वल टू 1/4। नाउ यू डिवाइड ईच एंट्री विद 1/4, 2/4 माइनस 1/4,
माइनस थ्री, फोर फोर और सिक्सटीन, वन बाई एट। फोर डिनोमिनेटर में, तो इधर भी हर नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। वन न्यूमरेटर में है तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, फोर डिनोमिनेटर में तो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब टू के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, तो मतलब उसके डिनोमिनेटर में क्या है, वन है। तो सिंपल मैंने मल्टीप्लाई किया। आप देखिए फर्स्ट वाले की कटिंग जो होती है मैं कर देती हूँ, टू वन ज़ा टू, टू ज़ा फोर, बाकी ऐसे ही आ जाएंगे। ये आपके पास आ गया है डी इनवर्स। अब आपने देखेंगे डी इनवर्स आ गया ना, पहले आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, डी और डी इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने पहले डी इनवर्स लिखना है, फिर डी मैट्रिक्स लिखना और मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। ठीक है, मैं आपको लेफ्ट हैंड साइड कर देती हूँ मल्टीप्लाई, आपने राइट हैंड साइड खुद मल्टीप्लाई करनी है। आपको मल्टीप्लीकेशन आपको अच्छी अच्छी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए फुल। मैंने फ्रैक्शन वाला इसी वजह से करी ताकि आपको फ्रैक्शन में कोई कन्फ्यूजन ना हो, मेथड वही है बस, सिंपल फ्रैक्शन आ रही है और कुछ नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे पहले डी बी इनवर्स, सबसे पहले कौन से मैट्रिक्स लिखना है, डी डी मैट्रिक्स, वन बाई टू, थ्री बाई फोर, वन टू, मल्टीप्लाई करेंगे डी इनवर्स के साथ, वन बाई टू माइनस वन बाई फोर माइनस थ्री बाई सिक्सटीन एंड वन बाई एट। अब मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, पहले आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। मतलब आपने पहले फर्स्ट रो लेनी होती है, जितने भी कॉलम्स होते हैं उनसे मल्टीप्लाई करना होता है, फिर आपने सेकंड रो लेनी होती है, जितने भी कॉलम्स गिवन होते हैं उससे मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, अब हम सिंपल मल्टीप्लाई इसको कर लेते हैं। फर्स्ट रो को मैं पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगी। अब मिड पे प्लस का साइन आता है, फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम से कर लिया, अब मैं फर्स्ट रो को सेकंड से करूंगी। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ, ठीक है। इधर आप इक्वालिटी का साइन भी डालें, मैथ में इक्वालिटी मस्ट होती है। अब वन बाई फोर प्लस माइनस माइनस, थ्री वन ज़ा थ्री डिवाइडेड बाई सिक्सटीन, प्लस माइनस माइनस, थ्री वन ज़ा थ्री थर्टी टू, प्लस थ्री डिवाइडेड बाई थर्टी टू। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वन बाई टू आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, टू वन ज़ा टू डिवाइडेड बाई फोर, माइनस थ्री बाई सिक्सटीन, प्लस टू डिवाइडेड बाई एट। ठीक है, कटिंग भी हो सकती थी लेकिन मैंने अब लिख दिया ऐसे। अब आप इन सबका इसका एलसीएम लेंगे, प्लस माइनस और ऑफ फ्रैक्शन हो तो हम पहले एलसीएम लेते हैं, इधर भी एलसीएम, इधर भी एलसीएम, इधर भी एलसीएम लेंगे और सिंपल इसको सॉल्व करना है। ठीक है, फिर इसी तरह आपने जब आपने राइट हैंड साइड लेंगे तो पहले आपने कौन सा मैट्रिक्स लिखना है, इनवर्स मैट्रिक्स लिखना है, देन मैट्रिक्स डी लिखेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, और दोनों के आंसर इक्वल आ जाएंगे। समझ आ रहा है आपको? नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, मैट्रिक्स ए भी गिवन है, मैट्रिक्स बी भी गिवन है, सिंपल आपने मल्टीप्लीकेशन करनी होगी। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, और इस सारा काम करके मुझे मेल आईडी जो मैंने आपको बताई है उस पर मुझे सेंड करते जाएं साथ साथ, जिन्होंने मुझे मेल की थी वो मैंने चेक कर ली है। ठीक है, और बाकी सब स्टूडेंट्स भी मेरे साथ साथ मेल करें काम। क्वेश्चन नंबर फोर, आपके पास मैट्रिक्स ए भी गिवन है एंड मैट्रिक्स बी भी गिवन है, आपने फर्स्ट पार्ट देखे, फर्स्ट पार्ट में है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इक्वल किसके आना चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, और वो किसके इक्वल आना चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक है, अब देखें ए इसमें क्या है, मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है वो फाइंड कर लेंगे।
इधर फिर जॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, देन आपने मल्टीप्लाई किससे करना है, ए मैट्रिक्स के साथ। इधर डिटर्मिनेंट ऑफ ए वो भी आपको फाइंड करना आ गया होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पहले फाइंड करेंगे और उसको आई से मल्टीप्लाई करेंगे। आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आपके पास ए भी 2x2 के हैं तो इधर आई मैट्रिक्स कौन सा होगा, 1 1 0 0, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ठीक है 2x2 का। सिंपल आपको मल्टीप्लाई करना होता है। सबसे पहले मैं आपको देखिए, मैं एडजॉइंट ऑफ ए आपको फाइंड करके बताता हूँ। एडजॉइंट ऑफ ए में देखिए, आप पहले सबसे पहले वही डायगोनल एंट्रीज को आपने इंटरचेंज करना है और बाकी दोनों एंट्रीज के साइन चेंज कर लेना, -4 -, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए भी आ गया, ये भी आ गया, और हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है, वो भी फाइंड कर लेते हैं पहले। 1 2 4 6, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, 6 1 6 -4 2 8, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -2। प्लस माइनस से हम देखते हैं, बड़े बड़ी टर्म के साथ कौन सा साइन वो लगाते हैं, ठीक है, बड़े के साथ माइनस एन वो आ जाएगा। ये भी नॉट जीरो है तो ये भी नॉन सिंगुलर होगा, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट लिखना होता है साथ मस्ट। अब देखिए सबसे पहले ये वाली साइड लें, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 1 4 2 6, और एडजॉइंट ऑफ ए का क्या आंसर आया, 6 -4 -2 1। अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, प्लस फर्स्ट रो को मैं सेकंड कॉलम के साथ करूंगी, 2 -4 1 और -2 +2 × 1। फिर सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ, 6 ± ± हो जाएगा, देखिए ±8 ± −-2 + 2, ठीक है, −2। हम इसके आगे इसका आंसर लिख देती हूँ, यहाँ पे आ जाएगा -2 0 0 -2। इसके बाद जब हम -2 को कॉमन ले लेंगे ना, इधर से ही यहाँ पे देखिए, जब हम -2 को कॉमन ले लेंगे तो आपके पास यहाँ पे 1 आ जाएगा, 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, तो ये आपके पास ये वाली साइड आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह आप मल्टीप्लाई कर देंगे, मैंने वैसे सारे फाइंड कर दिए, ये वाली साइड मैंने फाइंड कर दिया, पहले आप एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे देन ए लिखेंगे, तो मल्टीप्लाई ऐसी बिल्कुल करेंगे, ठीक है। फिर आप लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर लिखेंगे, -2 है, और उसको किसी मल्टीप्लाई कर देंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, तीनों साइड इक्वल आ जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, डिटरमिन वेदर द गिवन मैट्रिसेस एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अब आपके पास मैट्रिसेस गिवन है, आपने वही सिंपल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया है। क्वेश्चन नंबर 3 में और 5 में सेम, अब दो मैट्रिक्स गिवन है, फर्स्ट वाले को आप ए का नाम दे दें, सेकंड वाले को आप बेशक बी का नाम दे दें, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, पहले ए बी इनवर्स इक्वल किसके होगा, बी इनवर्स से, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, आपको 2x2 मैट्रिक्स में इनवर्स इनवर्स फाइंड करने का मेथड आना चाहिए। इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और उसमें आपको एडजॉइंट ऑफ ए का पता होना चाहिए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे फाइंड करते हैं वो पता होना चाहिए, बस आगे जो सिंपल मल्टीप्लीकेशन होती है वो आपने करनी है और सोल्यूशन हो जाएगा। मैट्रिक्स की जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी आपकी मल्टीप्लीकेशन अच्छी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये वेरिफिकेशन वाला क्वेश्चन है। आप देखिए फर्स्ट पार्ट में जो हमें गिवन है ए बी का होल इनवर्स, वो किसके इक्वल होगा, बी इनवर्स ए इनवर्स। अब ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, ठीक है। अब देखिए पहले लेफ्ट हैंड साइड देखिए, पहले ब्रैकेट के अंदर वाली चीज सॉल्व करेंगे,
पहले मतलब आपने ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसका आपने इन्वर्स लेना है, ठीक है। राइट हैंड साइड में पहले आपने बी इन्वर्स फाइंड करना है, ए इन्वर्स फाइंड करना है, दोनों के आंसर को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ए बी को पहले मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, ठीक है। मैंने मल्टीप्लाई कर ली, ठीक है। ए बी को पहले मल्टीप्लाई किया, अब इस मैट्रिक्स का आपने क्या लेना है, इन्वर्स लेना है। आप लोग लिखेंगे जैसे हम लिखते थे ए का मैट्रिक्स, ए बी का इन्वर्स किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। फर्स्ट इज एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी में डायगोनल एंट्रीज को आप इसमें इंटरचेंज करेंगे, अदर एंट्रीज की हम लोग साइन चेंज करेंगे, ए के साथ नेगेटिव साइन है तो प्लस साइन हो जाएगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी -16 डिवाइडेड बाय 6 -0। डिटर्मिनेंट लेते वक्त आपने हमेशा ये मैट्रिक्स लेना है, ठीक है, एडजॉइंट वाला नहीं लेना। एडजॉइंट ऑफ ए बी इज 16 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, -6 मल्टीप्लाई बाय -8। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू 0 -+ 48। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी विच इज इक्वल टू 48, ठीक है। अब इसमें आप वैल्यूज पुट कर दें, एडजॉइंट ऑफ ए बी किसके इक्वल है, मेरा डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी विच इज 48। अब आप हर एंट्रीज को सबसे पहले 48 से डिवाइड कर लें, कटिंग कर लें, इसके बाद जीरो से कोई भी नंबर डिवाइड हो जीरो जीरो ही रहता है, 6 8 8 48, 8 1 8, 8 6 48, 16 3 0, दिस इज ए बी होल इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड। नाउ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में बी इनवर्स ए इनवर्स, सबसे पहले हम लोग बी इनवर्स फाइंड करेंगे देन ए इनवर्स। बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या गिवन है, बी इनवर्स का फॉर्मूला लगाएं, बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी में हम लोग क्या करेंगे, डायगोनल एंट्रीज की इंटरचेंज करेंगे, अदर एंट्रीज के साइन चेंज करेंगे, माइनस वाले के साथ प्लस हो जाएगा, प्लस वाले के साथ माइनस हो जाएगा। नाउ टेक डिटर्मिनेंट ऑफ बी, -4 1, -2 -1, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज -4 -1 माइनस साइन, -2 × 1 4 प्लस -2, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 6 विच इज नॉट इक्वल टू 0 और नॉन सिंगुलर, ठीक है। अब इसमें आप खुद करके मेजर कर देती हूँ, एडजॉइंट ऑफ बी का ये आंसर है डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी 6 है, हर एंट्री को 6 से डिवाइड करूँगी,
अगर कटिंग हो गई तो कर लें, माइनस वन बाई सिक्स, माइनस वन बाई सिक्स, वन बाई थ्री, ये हमारे पास किसका आंसर आया, बी इनवर्स। ठीक है, अब आप इसी तरह ए इनवर्स फाइंड करेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करो।